अपने लिए आज शॉपिंग करने के लिए गए थे। दिखाइए बाजी क्या क्या लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग अभी शुरू कर रही हूँ, अभी शाम का 4 बज रहा है और दिन में मैं ब्लॉग शुरू नहीं कर पाई थी, न मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा हमारे घर में था तो बहुत ज़्यादा काम था और मैं काम करने लगी और बुलबुल छोटी है तो आप तो जानते ही हैं कि छोटे बच्चे के साथ थोड़ा बहुत नहीं बनता है काम करने के लिए। तो दोस्तों उस दिन हम लोग का पिकनिक ख़राब हो गया था तो आज मेरी सासू अम्मा हम लोग को सरप्राइज़ दे रहे हैं कि घर में सब जितने भी परिवार हैं तो एक ही जगह बनाकर खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए मेरी सासू अम्मा बहुत ज़्यादा लहसुन और प्याज लेके बैठे हैं और लहसुन छील रहे हैं। तो अब चलते हैं अलीजा के घर, आज अलीजा लोग शॉपिंग करने गए थे तो देखते हैं क्या क्या लाए हैं। हेलो दोस्तों बोलो। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं, अलीजा तो शर्मा रही है, नहीं बात कर रही है आपसे। चलो लेके चलती हूँ आज इन लोग के यहाँ। अलीजा आज काका शॉपिंग करके आई है तो देखेंगे। और इधर रोशनी को देखिए, कुछ बुलबुल को खिलाती तो यहाँ बैठी है यहाँ के मिट्ठू के साथ। इधर मिट्ठू भी खेल रहा है। मिट्ठू अपने लिए आज शॉपिंग करने के लिए गए थे। दिखाइए बाजी क्या क्या लाए हैं। स्कूल आए कुर्ती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक कुर्ती पीस लाए हैं, नेट का है और इसका अभी अस्तर नहीं ला पाए हैं, बाद में जाएंगे तो लेके आएंगे। मतलब कि नहीं था दुकान में और इसका मैचिंग नहीं था और भी कुर्ती का खास सर और ये वाला को लेके आए हैं तो दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है इनका कुर्ती का पीस। मैं भी जाऊंगी, मेरे लिए भी कभी शॉपिंग करूंगी। अभी शादी है 15-20 दिन टाइम और अलीजा तो बहुत खुश है, इसको दुपट्टा कर करके खेल रही थी ढक ढक के। चलिए जी जल्दी से, अम्मी बुला रहे हैं, जल्दी बनाएंगे। तो दोस्तों उस दिन हम लोग का पिकनिक खराब हो गया था ना तो सब पूरा परिवार मिलके साथ में बनाकर खाएंगे। जल्दी रखिए अपना कपड़ा को। चलो अलीजा चलो आ जा, तेरे दादी बुला रही है। चलिए जी जल्दी से बनाएंगे और शाम भी हो गया है। और इधर आलिया को देखिए सीढ़ी में कैसे झूल रही है झूला। और इधर अलीजा का खा रही है अलीजा प्याज। तो दोस्तों इधर सासू अम्मा प्याज और लहसुन छील चुके हैं, प्याज भी काट दिए हैं, आप देखिए। और रोशनी के दादा आग भी जला दिए हैं, शाम हो गया है ना इसलिए जला दिए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहिएगा, मैं चावल लेके आती हूँ। बड़ा ही को तो बना लेंगे, उसी में क्या होगा, घंटा में 2 बार कितना करेंगे। तो दोस्तों मैं कढ़ाई लेके आ रही हूँ, इधर हम लोग दोनों जन चावल आधा आधा ले लिए हैं चुनने के लिए। तो दोस्तों आंगन में चूल्हा है, उसमें हम लोग खाना बनाएंगे दोनों बहनें। और यहाँ सासू अम्मा सब्जी को बना, मतलब कि चिकन को बना देंगे। मेरी सासू अम्मा बहुत अच्छा चिकन बनाते हैं और जल्दी भी होगा, दोनों चूल्हा में बनाएंगे। तो इधर बाजी चावल निमार लिए हैं एक ठो सुपा का और मेरा बचा है कि मैं भी निमार देती हूँ जल्दी। दोस्तों मैं मसाला भूंज रही हूँ चिकन के लिए, अब इसको पीसेंगे तो फिर चिकन बनाएंगे। तो दोस्तों वहाँ अम्मी चिकन को बनाएंगे, यहाँ मैं पुलाव को बना दूंगी और वहाँ बाजी चावल को परिया रहे हैं तो मैं शुरू करती हूँ बनाने के लिए। तेल मन को डाल दीजिएगा अम्मी, आइए थोड़ा सा तेल को देखिएगा। मसाला मलाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सासू अम्मा तेल और घी डाल देंगे, फिर मैं प्याज को डाल के मैं भूंजूंगी, मैं फिर बनाऊंगी पुलाव को। अपने हिसाब से डालते हैं ना क्योंकि ज़्यादा तेल मसाला ये खाते नहीं हैं, इसीलिए अपने हिसाब से तेल को डाल रहे हैं। उधर घी डला रहा है, आप देखिए। तो दोस्तों आप देखिए गांव का लाइट तुरंत कट जाता है, एकदम अंधेला हो गया, हम लोग बना भी नहीं पाए हैं। अब अंधेला में कैसे बनाएंगे कैसे खाएंगे पता नहीं।
और यहाँ मट्टी तेल भी नहीं मिल रहा है, नहीं तो दिया बाती कर देते। और टार्च भी है बड़ा वाला, वो भी ख़राब हो गया है, थोड़ा बहुत जलता है, फिर एकदम उसका बैटरी भी डाउन हो गया है, नहीं जलता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है बस। अब देखिए अंधेला भी हो गया है, अब बनाएंगे इंजला टार्च जला जला के मोबाइल से। तो दोस्तों उधर लाइट भी आ गया, अब थोड़ा अच्छा से बन जाएगा हम लोग का खाना। तो मैं डाल दे रही हूँ, तेल भी गर्म हो गया है इधर। इधर बुलबुल को देखिए हल्ला करने शुरू हो गई है ये। आसमीन और शकीला खाना बना रही है और मैं इधर चिकन को बना रही हूँ। दोस्तों लाइट गोल हो गया था और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, अभी लाइट आ गया है तो मैं शूट कर रही हूँ। तब तक से हम लोग का पुलाव बन गया है और इधर चिकन बचा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी सासू अम्मा बना रहे हैं, ये देखिए चिकन भी तलाइए गया है अभी बहुत लेट, थोड़ा सा 10-20 मिनट तक लाइट कट गया था, तब तक हम लोग का पुलाव भी बन गया है। तो मैं पुलाव को अंदर लेके चलती हूँ क्योंकि आंगन में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो यहाँ बाजी देख रहे हैं पुलाव को, तो अच्छा से हो गया है ना पुलाव? हाँ हो गया है, ले जाऊँ? हाँ। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग का पुलाव बन गया है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ धुआं भी बहुत ज़्यादा हो रहा है लकड़ी का, तो मैं इसको अंदर ले जा रही हूँ। चलो अलीजा उधर हटो। चिकन को पूरा तल लिए ना, अब मसाला को डालिएगा। हाँ तल सर, प्याज भी यही पर मिला दे। देखा दे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, मैं चिकन जल्दी से बना लेती हूँ। दोस्तों हम लोग का चिकन पुलाव बन गया है और इधर देखिए सासू अम्मा चिकन को निकाल रहे हैं और बाजी पुलाव को निकाल रहे हैं। सब अभी मिलके पूरा खाएंगे, अब बन गया है तो सब बच्चे भी बैठेंगे खाने के लिए। और ले बोटी भी तो दोस्तों चैट भी कट गया था तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। और इधर सब कोई खाना निकाल के हम लोग पूरा फैमिली बैठ के खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लो दोस्तों आज लाइट बहुत परेशान कर रहा है, आप देख सकते हैं दिन भर आ रहा है और जा रहा है और आज मेरा अच्छे से ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है। तो मैं कल सुबह ब्लॉग को शूट करूंगी, अभी ब्लॉग को मेरे को यहीं पे रोकना पड़ रहा है।